हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके सामने एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि हमने रिप्लेस करके दोबारा से मंगवाया है, क्योंकि जो पहले हमने मंगाया था वो थी डव क्रीम जो कि गलत आ गई थी, और अब हमने रियल प्रोडक्ट का रिप्लेस डाला था तो वो प्रोडक्ट आया। अब देखना ये है कि क्या सच में अब रियल प्रोडक्ट आया है या इस बार भी गलत प्रोडक्ट आ गया है हमारे पास। तो हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं, क्योंकि पहले आप लोगों के सामने मैं वो वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि वो गलत आई थी, हमारा रियल प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आया था। गाइस, तो ये अब रिप्लेसमेंट में ये प्रोडक्ट आया है, और वो वाला जो प्रोडक्ट हमने लास्ट टाइम मंगाया था जो कि हमारा गलत आ गया था, उसका मैं लिंक नीचे शेयर कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट सेम हमने ऑर्डर किया था, डव ब्यूटी क्रीम इम्पोर्टेड, बट वो हमारे पास रॉन्ग आ गई थी, क्योंकि जो हमारा इम्पोर्टेड लिखा हुआ था पर वो इम्पोर्टेड नहीं था, वो नॉर्मल था, और इस बार हमने इम्पोर्टेड मंगाया है क्योंकि वो मेड इन इंडिया था। हालांकि हम इंडिया से ऐसा नहीं, हम बहुत प्यार करते हैं, बट क्योंकि जो चीज़ लिखी गई हो वही भेजनी चाहिए, तो उसमें ये मेड इन सऊदी लिखा था, अब हमने वही देख के डाला है कि वही आनी चाहिए। तो देखते हैं अब अनबॉक्सिंग करके वो क्या रियल प्रोडक्ट आया है हमारे पास। चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसा कि गाइस मैंने उस वीडियो में बताया था हमने क्यों वो क्रीम ऑर्डर की थी, ये वाली क्रीम क्यों ऑर्डर की थी, क्योंकि वो एक बार ही पहले हम यूज़ कर चुके थे क्योंकि बहुत अच्छी थी, मेरे हस्बैंड को बहुत सूट की थी वो क्रीम, और उससे स्किन बहुत फेयर हो गई थी और हेल्दी हो गई थी। तो वही देखा उन्होंने कि हाँ फ्लिपकार्ट पे वही सेम क्रीम मिल रही है और वही मेड इन सऊदी ही है, उन्होंने भी वही यूज़ की थी तभी हमने मंगाया था, और फिर हमारे पास मेड इन इंडिया आ गया था। हमें इंडिया की, हम ऑलरेडी इंडिया की ही चीज़ें यूज़ करते हैं और हम इंडिया की चीज़ों को वैल्यू भी देते हैं, बट ये एक्चुअली क्या था कि वो लास्ट टाइम यूज़ किया था, इस वजह से हमने दोबारा से वही क्रीम मंगाई थी। अब देखना वही है कि वही क्रीम है या कुछ और है। अगेन वही दोबारा से हमें दे गए, यही हमारे से वापस ले लिया गया था, हमने रिटर्न में डाला था, और दोबारा से सेम वही की वही हमें दोबारा शेयर कर दी गई है। गाइस, अब फिर से हमें फ्लिपकार्ट को रिटर्न कर देना पड़ेगा, ये तो हमारे साथ दोबारा से चीज़ हमें रिटर्न में कर रिप्लेस में दी गई है, क्योंकि मैं आपको इसकी जो हमने ऑर्डर किया है वो मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, और क्योंकि वो अलग है और ये अलग है तो मैं शेयर कर दूँगी, और इवन उन्होंने एग्री भी किया और उन्होंने सॉरी भी, हमारे पास वो कॉल आई थी उसमें बोला भी उन्होंने था कि हाँ गलत चली गई है, कोई नहीं हम दोबारा से, अब दोबारा सेम प्रोडक्ट हमें शेयर कर दिया गया है, हमें दोबारा से वही भेजा गया है। गाइस, हमें ये फ्लिपकार्ट से ये उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी मिस्टेक फिर से करेंगे, हमें दोबारा से बोला गया कि नहीं हम सही चीज़ भेजेंगे, अभी भी नहीं आई, तो फ्लिपकार्ट के लिए बहुत अजीब फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ओके गाइस, अब देखते हैं क्या होता है, अब हम इसको फिर से रिटर्न में डालते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी सेम जो हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसका लिंक मैं ज़रूर शेयर करूँगी, फिर ताकि आप लोग भी देख सकते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया था, हमारे पास क्या आया। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।